कि मेरा अर्ज सुने, गवर्नमेंट अकेली इस इतने बड़े जो नॉर्थ से लेकर और समंदर तक बर्बादी हो रही है, इसको गवर्नमेंट अकेली मैं यकीन से कहता हूं कि नहीं अपना संभाल सकेगी। तो इसमें आप मीडिया का काम भी है, हम लोगों का भी है और सब मिलके उन दोस्तों का है जिनको खुदा तरसी भी है और जिनके पास सफेद कपड़ा पहनने का भी है। वो मेहरबानी करके इन जितने भी दोस्तों के ऊपर ये वक्त आया है, इस वक्त की उनको एहसास महरूमी का शिकार ना होने दें। तो जिसके जो बस है वो इनकी हिमायत करें, मदद करें और इनको वापस इनके पांवों पे उठाकर खड़ा करने की कोशिश करें। जनरली फौज का किरदार कैसा समझ रहे हैं इस पूरी लोगों की रिहैबिलिटेशन में? देखिए, फौज का हमेशा मुल्क के लिए किरदार रहा है और वही एक इदारा है जिसके पास हर सहूलत भी है और मुत्तहिद भी है और एक कमांड के नीचे। तो उसकी कारकर्दगी या जंग देखें या कोई बुरा वक्त देखें या आप देख लें, अब सैलाब में भी, इससे पहले भी सैलाब आए थे तो फौज का एक बहुत बड़ा किरदार था और जो जलजल आया था उसमें भी फौज का किरदार था। तो उनके ये तो आप कह नहीं सकते कि फौज का किरदार जो है उसके ऊपर कोई बात करे, वो तो मैं समझता हूँ बहुत ही एडवांटेज है इस मुल्क को इस फौज का। 8,500 खानदानों में आप आज सामान तकसीम करते आ रहे हैं, अब ये लोग जब वापस अपने घरों में जाएंगे तो उनके घर तो टूटे हुए हैं, वहाँ पर खेमे और वहाँ के लिए क्या बंदोबस्त किया जाएगा? देखें, अभी आपने भी सुना है, हमने भी सुना है पिछले 3 दिन से, गवर्नमेंट इनको ईद से पहले 5,000 रुपए देगी और उसके बाद 20,000 रुपए देगी जो कच्चे घर हैं। अब ये पॉलिसी क्लियर जो है वो अब आपको तब पता चलेगी कि गवर्नमेंट जो सिंध की है उसके पास क्या अपने हिस्से का पैसा देने का है। अगर फेडरल गवर्नमेंट देती है पैसा तो आधा उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी अपना हिस्सा डालना है। अब वो चीज़ देखें कि क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है पैसा, उसका मैं समझता हूँ आपको इम्तियाज शेख सही बता सकेंगे कि क्या पोजीशन है पैसों की। शाह साहब, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन, आजकल एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने एक स्टेटमेंट माशाल्लाह के नफाज का स्टेटमेंट देकर मुल्क की सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि आपका सिंध में बहुत ज्यादा असर रसूख है और आप सिंध में एक बाकायदा पीपल्स पार्टी की पैरेलल पार्टी समझी जाती हैं। आपका मौकफ क्या है इस हवाले से कि अल्ताफ हुसैन ने बरवक्त बयान दिया है या फौज की डायरेक्शन के मुताबिक चल रहे हैं वो? मेरा एक अर्ज सुने, ये कहना कि बरवक्त या फौज की डायरेक्शन ये तो मुनासिब नहीं है, इन दोनों चीज़ों को मिला के आप बात नहीं कर सकते। वो बैठे हैं एक लीडर की हैसियत में और वो अगर एक चीज़ कह गए तो उस चीज़ में उन्होंने, जो मैंने खुद 2 दफ़ा इसको मैंने सुना, उसमें यही महसूस किया कि उन्होंने कहा माशाल्लाह जिस जैसे तर्ज की इकदाम उठाए जाए करप्ट लीडरों के खिलाफ। अब वो मार्शल्ला नहीं कह रहे कि आप मार्शल्ला लगा दें, अब वो मार्शल्ला जैसे तर्ज की वो कह रहे इकदाम उठाए जाए। तो उस चीज को अगर आप थोड़ा सा देखें तो उनका मकसद क्या है और उनकी पार्टी उसको क्लेरिफाई कर भी रही है, वो उनकी पार्टी क्लियर करेगी। उन्होंने ये वाजे कर दिया कि उनका ये मकसद नहीं था कि मार्शल्ला आए, मार्शल्ला तर्ज का एक्शन लिया जाए। केटी बंदर ताई कुछ जिला बचा है, बाकी सिंध सब उम्री बुढ़ी वही है। उनमें चेवी थे उन्हें जो मुतासरीन आया वे पैंने सरदार इल्जाम हणन था तो उन्होंने अस बुढ़ो हमें दिठो है, हमें घुमी रहा तमाम पा मान से मिली रहा तो इन वक्त छठे की पोजिशन जी है या बेन इलाक की जी पोजिशन है उनमें मानू दर पदर थन था को उनके इतला को एकदम जो 5-8 कलाकन जो अल्टीमेटम गवर्नमेंट थी तो घर खाली कर छा यो मुमकिन हो? एडी वही तबाही जो कारण जो है हुकूमत की ना कारकर्दगी जी बेहतर थी सके थी, इनके बेहतर चई सके तो। हाँ, सवाल न किया पर सवाल समझ तमाम घड़ो एकड़ो कुछ भी गद रखी छो। मकसद यो है तो इतने वे पैमाने ते पानी जे अचण जो हुकूमत या हुकूमत जे जेके भी पुराना इंजीनियर हुआ तजर्बेकार उन्हें जे भी जहन में यो न हो एतरो वधिक पानी अची वेंदो। हकीकत तो यही है तो तहां जब विराज जेकेन शुक्र है खुदा जो तो एतरो पानी क्रॉस करे, हालांकि गेज का पानी इलाही मथे हुए और इतने जेके बुजुर्ग आन असाजा वडन धड़न ते वेठल उन्हें जैसे अस हफ्तों अग में चौदह तो बाबा पानी तमाम घड़ो अची वो साउथ
पंजाब जो बावलपुर रहीम अरकान मुजफ्फरगढ़ इन पास तबाही बर्बादी थी तहबानी कर बार सूद बहार अची वो उन वाजे किया तो भाई असो जो है यो जिते असो थलो जैसे चाहबो वो भी वे में वे सैलाब में को पुसो तो अस हाँ इन सैलाब का भी को डिजूँ और रात जो 12:30 बजे उन फोन आया तो भाई वारो क्यों बेड़ी मोकिलो असो तो थला बुढ़ी है सो यो पानी तमाम हो और इन पानी ला हुकूमत तैयार न हुई और एतरे पानी के तुम यकीन कर ये गुड्डू बैराज थो या सक्खर बैराज थो या कोटरी बैराज थो जो पास करे और सही सलामत रह जी वन तो वही खुशकिस्मती है मुल्क की बाकी मिसमैनेजमेंट बिल्कुल है छोजो तुम सवाल ही एतो डिगो तो थोड़ा मां भी चव मिसमैनेजमेंट जरूर है इतने को तयों जरूर आन और हर मानू जो भी असर रख पे इलाके में या सरदार पाँ पान के सदाई उन फ्री फॉर ऑल जैसे चाहबो जैसे जो वणो उन्हें किया सो इन की इम्तियाज साहब भी मां भी तो चव बन भी काफ़ी लीडर हजरात और आम जो टॉक शोज में था अचन टीवी से उन्होंने भी मुतालबो किया तो जुडिशियल इंक्वायरी थे खपे सो इन शे की इंक्वायरी जरूर थी।